आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसके कुछ दिन अभ्यास मात्र से ही आप अपने घुटने से संबंधित और टांगों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को समझने का प्रयास करना है और फिर आपको जैसे वीडियो में बताया गया है वैसा ही अभ्यास करना है। सबसे पहले आप अपने घुटनों में नी कैप पहन लें और नी कैप पहनने के बाद आपने अपने दोनों एंकल जॉइंट्स में वेट को बांध लेना है। वेट कम से कम आधी किलो और अधिक से अधिक 1 किलो होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपने सोफे में कमर के बल लेट जाना है और सोफे की जो ये साइड की डंडी होती है ना जिसमें हम लोग हाथ रखते हैं उसके ऊपर अपने दोनों पैर रख लेने हैं। आप ऐसे पैरों को रख लीजिएगा और कमर के बल लेट जाइएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अपने पैर को हिलाना है एक एक करके ऐसे ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरे पैर से भी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैर एक साथ ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने ऐसे 10 से 15 बार लगातार करना है, फिर कुछ देर अपने पैरों को आराम देना है। ठीक है, इसके बाद एक पैर को सीधा करना है और पैर का पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है और 10 से 15 गिनने तक यहाँ पे आपको अपने पैर को रोक के रखना है और साथ ही साथ अपनी सांस को भी रोक के रखना है। 10 गिनने के बाद पैर को धीरे से वापस लाएं और घुटने को मोड़ दें, फिर दूसरे पैर को सीधा करें सांस लेते हुए, पंजा अपनी तरफ और सांस को भी रोक के रखें और पैर को भी 10 से 15 गिनने तक रोक कर रखें। फिर धीरे से वापस, फिर दूसरा पैर ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसा आपको दोनों पैरों से कम 10-10 बार करना है। और फिर अगला अभ्यास आपको दोनों पैर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
फिर दोनों पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। ऐसा आपको कम से कम 10 बार लगातार करना है। ये तेल जो हमने आपको पिछले वीडियो में बनाना सिखाया था, लहसुन, अदरक, मेथी दाना, हींग और अजवाइन, सरसों का तेल, ये है वो तेल। इस तेल को क्या करना है, आपने पहले घुटने के चारों तरफ अच्छे से लगा दें। तेल लगाने के बाद कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, ठीक है, ताकि तेल आपके घुटने के अंदर तक पहुंच सके। नीकैप के चारों तरफ लगाना, नीकैप के ऊपर आपको तेल नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद घुटने की जो ये पीछे की मसल्स होती है ना, ये वाली, ये यहाँ पे आपको तेल लगा के छोड़ देना है, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तेल लगाएं और छोड़ दें। घुटने को ऐसे मोड़ के रखें, फिर घुटने की ये अंदर वाली मसल्स जहाँ पे उभार रहता है ना, ये यहाँ पे तेल लगा के छोड़ दे। यहाँ पे अक्सर स्वेलिंग आ जाती है, पानी भर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे तेल लगा के छोड़ दे। अब आपको करना क्या है, काफ मसल्स पे, एंकल ज्वाइंट से लेके और घुटने के नीचे तक तेल लगा देना है। ऐसे तेल लगा दो, ठीक है। और अब उसके बाद आपने या तो हाथ से मसाज करनी है या फिर कोई डंडा ले लें, गोल सा डंडा हो या आपके घर में रोटी बनाने वाला बेलन हो। तो मेरे पास ये बेलन है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, तो मैं आज इसका उपयोग करना सिखाऊंगा आप लोगों को। इसको ऐसे पकड़ें जैसे आप रोटी बेलने के लिए पकड़ते हैं, और एंकल ज्वाइंट से लेकर घुटने के पीछे तक मसल्स को ऐसे खींचे, सिर्फ नीचे से ऊपर 5 बार लगातार, ताकि आपकी नसों में जहां पे गांठें बन गई हो या जहां पे दर्द होता हो या मसल्स में जहां पे स्टिफनेस आ गई हो, वो आसानी से खुल सके, ठीक है। ये ऐसे 5 बार लगातार नीचे से ऊपर करना है पहले, ये फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे। अब लगातार 5-7 बार या 10-15 बार लगातार करते जाए, ठीक है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये सिर्फ पीछे ही नहीं करना, यानी चारों तरफ करना है काफ मसल्स के। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा पैर को सीधा करेगा, अब घुटने की पीछे वाले मसल्स को ऐसे ही, ये अगर आपने ऐसे मालिश किया ना, तो आपका भी घुटने का दर्द 2 दिन में खत्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दिन में आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाए, ऐसा भी होता है बहुत बार, क्योंकि कहीं पे कोई नस दब जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है, तो वो खुल जाता है मसाज के जरिए और घुटना ठीक हो जाता है, ठीक है। ऐसा, अब इसके बाद आपने घुटने के चारों तरफ मसाज करनी है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी उंगलियों के जरिए करना है। यहाँ पे आपको बेलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले घुटने के ऊपर वाली मसल्स की मसाज करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंगूठे के जरिए मसाज करें, दोनों हाथों को ऐसे रखें गोल बना के, ये। अब बाएं अंगूठे को दाएं तरफ लेके जाएं, दाएं को बाएं तरफ लेके जाएं, ऐसे, ये ऐसे करके, ठीक है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऐसे करना आपने। अब ये जो पहली दो उंगलियां हैं ना, इनके जरिए नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, ये ऐसे, इनको भी आपने क्रॉस करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ऐसे आपको सप्ताह में कम से कम 3 दिन आपको अपने घुटने की मालिश करनी है, ये ऐसे। अगर आपने 3 दिन अपने घुटने की मालिश की ना, तो यकीन मानेगा मेरा, आपका घुटना आपकी उम्मीद से जल्दी ठीक हो जाएगा, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी दवा के।
है, ऐसा आपको करना है। ये करने के बाद अब आप पैर को सीधा करिएगा, अब अपर थाइज की मसाज करनी है आपने, लेकिन ऊपर से नीचे को करना है ताकि ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ सके। ठीक है, ये लगा दिया हमने तेल अच्छे से, ये दोनों हाथों से हमने तेल लगा दिया। अब हम यहाँ पे या तो आप बेलन को यूज में लाएं या फिर आप अपने हाथ से करें, ये ऐसे ऊपर से नीचे, ये ऐसे। उसके बाद हाथ को ऐसे रखें और ये पैर नीचे भी रख सकते हो आप ऐसे ही। ऐसे आपको दोनों पैरों की मालिश करनी है। ये कुछ देर बाद ही आपका घुटना लगभग 70 से 80% फ्री हो जाएगा। जैसे जैसे घुटने की तरफ ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका जाम घुटना फ्री होना शुरू हो जाएगा। ये आपको लगातार 5 मिनट घुटने की मालिश रोज करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये पैर के बीच की दो उंगलियां है ना, अंगूठे छोड़ के और पहले उंगली छोड़ के, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की दो उंगलियां है, अब आपने उनकी मालिश करनी है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी उंगली की जड़ से नाखून की तरफ अंदर की साइड से, ये ठीक है, ये ऐसे। आप इस तेल का उपयोग कमर दर्द के लिए भी कर सकते हैं, यदि आपके कंधों में दर्द रहता है या गर्दन में दर्द रहता है तो वहां भी आप इस तेल के जरिए मालिश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि हाँ इस तेल से हम सिर्फ घुटने की मालिश करें, आपके शरीर के जिस भी जोड़ में दर्द है आप इस तेल का उपयोग मालिश के लिए कर सकते हैं। कल किसी ने हमें कमेंट्स करके बताया कि आपके बताए गए एक्सरसाइज से 2 दिन में ही हमारा घुटने का दर्द ठीक हो गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। लेकिन आप लगातार एक्सरसाइज करते रहें ताकि दोबारा जिंदगी में कभी भी आपको घुटने दर्द की शिकायत ना रहे। ठीक है, तो बाकी लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लगातार एक्सरसाइज करते जाएं और अच्छे से एक्सरसाइज करें, मन लगा के एक्सरसाइज करें, ताकि आपके घुटने का दर्द भी जल्द से जल्द जड़ से खत्म हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, और साथ ही साथ आपको चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन भी जरूर दबाना है ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।